तो ये हमारे पास अभी बजाज कंपनी की आयरन है, तो इसको हमको ओनली रिपेयर करना था इसलिए हमने इसको ओपन किया हुआ था। लेकिन इसमें आपको दिखेगा कि इसकी एलिमेंट ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा कि इसके भी आपको एक जानकारी दे दी जाए, ताकि ये बहुत ही टॉप होती है बदलना, लेकिन हमारे लिए बस चुटकी का खेल है। कैसे बदलना होगा यही जानकारी आपको भी रखनी होगी, जो कि आपके लिए बेटर होगी। तो इसको बदलने के लिए क्या क्या चीज़ फॉलो की जाती है, यानी कि हम देखेंगे आप, तो हमने एलिमेंट को लेकर रखा है। एलिमेंट की मैं वैल्यू की बात करूँ तो 750 वाट की एलिमेंट की वैल्यू हो जाती है, आपको यहाँ पर दिखाई है एलिमेंट के 750 वाट, और हमने भी बजाज का ही ओरिजिनल एलिमेंट ले रखा है। उसके बाद में ये भी 750 वाट की एलिमेंट हो जाती है, यहाँ पे लिखी रहती है 750 वाट, और ये भी बजाज की ओरिजिनल एलिमेंट है। तो हमको इसको चेंज करने के लिए क्या चीज़ फॉलो की जाती है, क्योंकि इस एलिमेंट को अगर डायरेक्टली इस पर डाल के अगर ठोकते हैं तो ये एलिमेंट सिल्वर ऊपर से कट जाती है और फाइनल आपकी हीटिंग नहीं आ पाती है और एलिमेंट बार बार ख़राब होते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको तो भाई कोई भी विधि अपना सकता है, ऐसे इधर से डालिए, मान लीजिए इधर से डालें, या आपका ये फूली पड़ी है एलिमेंट जो ब्लास्ट हुई है, यहीं पे पेचकस डालें और आपकी ये एलिमेंट निकल के आगे आ जाती है। तो ये हमारी पुरानी वाली एलिमेंट निकल चुकी है, लेकिन जब आप इसको नया अवेलेबल एलिमेंट इस पे ऐसे रख के अगर आपको इसको प्रेस करते हैं यानी कि ठोकते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट आपकी कट जाती है। रीज़न आपका ये होता है, इसमें कोर जो दिए रहते हैं ये कंपनी ऑलरेडी पंचिंग कर देती है, मशीन से एलिमेंट डालने के बाद पंचिंग कर दी जाती है, जिससे आपकी ये कोर बन जाती है इस टाइप की कोर। तो इस टाइप की कोर को पहले कैसे इसको बैठानी होगी, वहीं आपकी विधि इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो इसको बदलने के लिए हमने पुरानी वाले एलिमेंट हटा चुके हैं, थोड़ा सा इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो निकालने के बाद भी आपको टेस्टिंग में अगर आपकी सीरीज वायर ग्लो कर रही है तो ठीक है, या आपका मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी आ रही है तो ठीक है। तो हम डायरेक्टली सीरीज वायर से ऐसे चेक करते हैं, तो हमारी लाइट आ रही है साइड से, इस पर हमारी कोई लाइट नहीं है, और जहाँ तक मैं न्यू वाली की बात करूँ तो न्यू वाली पर आपको साइड से एक लाइट आएगी, तो ये हमारी न्यू वाली अभी सही है और ये पुराना वाला हमारा डेड हो गया। तो इसको बदलने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए था, तो इसको हम साइड में रखते हैं, साइड में फेंकते हैं, और हमारी नई मतलब नया का चाहिए था। तो इसके लिए आपको एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, साथ साथ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना होगा, हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेट होती है आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने में मेरे भाई। तो आपको देखिएगा हमने ग्राइंडिंग लिया है, ग्राइंडिंग लेने का पर्पस हमारा ये है कि आपको देखिएगा कि ये जो साइड में पंचिंग कर देती है कंपनी, बस इस पंचिंग को हमको रिमूव करना होगा और एलिमेंट को रख के हमको अपने से इस पर पंचिंग करनी होगी। तो इस पंचिंग को जैसे यहाँ पर कटा कटा ऐसा सभी जगह पे हमको इस पंचिंग को रिमूव करना होगा, इसमें से एक तरह की कोर बना लेती है जो कि एलिमेंट को बाहर नहीं आने देती है। तो हमको इसको सभी को रिमूव करना होगा और रिमूव फ्रेश हो जाती है, उसके बाद में हमारी एलिमेंट आसानी रूप से बैठ जाती है, उसके बाद फिर से हम अपने तरह से इसको पंचिंग करेंगे। इसको फटाफट से हम निकालते हैं, क्योंकि पंचिंग करना थोड़ी सी मतलब टॉप होती है, उसकी भी जानकारी आप ले लीजिएगा। थोड़े से मैं आपको दिखा दूं कि मैंने सभी ओर से पंचिंग कर लिया है, ऐसे सारी की सारी गैप को हमने हटा ली है और फाइनली हमारी ये चिकनी हो चुकी है, जो इस पर मतलब बनाए गए थे ये निशान ये ख़त्म हो चुके हैं। अब आसानी से हमारी एलिमेंट इस पर बैठ जाएगी, तो एलिमेंट को बस इससे सहारा देनी होगी। एक दो जगह ऐसे मार के निशान लगा दी जाती है जिससे आपकी एलिमेंट बाहर नहीं आएगी, और इतना होने के बाद में आपको इस एलिमेंट को टेस्ट करनी होगी, ताकि आपकी इतना मतलब पिटाई इसकी हुई है, हो सकता है एलिमेंट हमारी कट गई हो या आपका बॉडी अर्थ ले लिया हो, तो हमारी ये सीरीज की वायर हो जाती है। तो हम देखेंगे आप हमारी एलिमेंट सही है, कोई भी बॉडी अर्थ वगैरह इसमें नहीं है। अब इसकी हम फाइनल असेंबल करने वाले हैं और आपके सामने इसकी पूरी लेकर के आते हैं कि क्या हमारी एलिमेंट पूर्ण रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये चीज़ होता है आपकी आयरन में, सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे हाथों में जो छोटी सी दिख रही है ये चीज़, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कटअप भी बोल सकते हैं, जो आपका ऑटोमेटिक कटअप कराती है इसी का काम होता है। क्योंकि ये जब हीट होती है तो ये पत्ती से ऑटोमेटिक ये डिस्चार्ज कर देती है इसको, मतलब इसको ये दाबी रहती है ऐसे, ये डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे लगा रहता है, आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, यहाँ पे लगी रहती है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं नज़रअंदाज नहीं करनी है, इसको जैसा था वैसा कसना होगा, इसको बिल्कुल भी आपको डायरेक्ट नहीं करनी है। अगर ये मतलब ये कंट्रोलर को आप डायरेक्ट कर देते हैं तो इससे आपकी ख़राबी ये होगी कि आपकी कपड़े बार बार